हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नवीन सरोहा। आज का डिटेल वीडियो, बैंक निफ्टी निफ्टी में आज का ट्रेड करना था। ट्यूसडे था, फिर निफ्टी हम काफ़ी टाइम से बंद कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार मन करता है तो फिर निफ्टी भी वो करते हैं और मोस्टली हीरो जीरो या किसी भी एक पर्टिकुलर उस पर सब्जेक्ट पर बात करते हैं और वो फेल हो जाता है। सो आज भी हीरो जीरो का एक ट्रेड दिया, आया भी बट नहीं चला, 50% का स्टॉप लॉस हुआ। सो फिर निफ्टी को मोस्टली अवॉइड ही करते हैं। आगे भी चार सिंबल बहुत ज़्यादा हैं, मिड कैप फिर निफ्टी दोनों को छोड़ देते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जब ट्रेंड चलता है तो प्रॉफिट देगा। मतलब BTST ट्रेड में आप इसमें कर सकते हो, इंट्राडे में कहीं ना कहीं फंस के खड़े होने वाली बात है। तो चलिए आज का रिटेल वीडियो, बैंक निफ्टी पे मॉर्निंग में ट्रेड आया। मैं कल से एक स्कैनर की बात कर रहा हूँ, नई चीज़ की बात कर रहा हूँ। नई चीज़ का मतलब बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं और दूसरा बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। और आज मैंने पोस्ट भी किया टेलीग्राम पे, पहले वहीं पे बात करते हैं। टाइम देख लीजिए यहाँ पे 9:36 मार्केट ट्रेंड बुलिश। टाइम था 920 पे। ओवरऑल ट्रेंड इज बेरिश, ट्रेंड मतलब शॉर्ट टर्म का ट्रेंड, जो सेलर्स के लिए पोजीशन है एक्सपायरी के डेट ट्रेड करेंगे, मतलब कल का जो एक्सपायरी है उसके लिए देखेंगे, तो ओवरऑल बेरिश ट्रेंड था और इंट्राडे में बुलिश ट्रेंड था। इंट्राडे में दो कॉलम बुलिश, अगर आप देखें 49,600 ATM का कॉल पुट स्ट्राइक, दोनों का वॉल्यूम, किसमें क्या वॉल्यूम है, मार्केट यहां पे कंसोलिडेट कर रही थी 920-925 पे। उसके बाद 50,000 49,500 सब रेजिस्टेंस वन सपोर्ट वन, 50,000 के आसपास मार्केट कितनी बार आके वापस चला गया, अगले स्क्रीनशॉट में देखते हैं। 50,000 49,500 52,000 ये ओवरऑल बेरिश ट्रेंड जो दिखा रहा है, ये एक्सपायरी का ट्रेड है। बैंक निफ्टी फोर पोजिशन बेरिश, यहां पे बेरिश दिखाया क्योंकि वीक था पॉइंट और सुबह सुबह मार्केट बेरिश ही चल रहा था। देन गो विद द ट्रेंड चेंज इन ओपन सम, बुलिश बुलिश। जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, PCR बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, तो उस कंडीशन में वो बुलिश ट्रेंड को शो अप कर रहा था टाइम टू टाइम। हाँ, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, PCR अपडेट होता है, कंप्लीट चार्ट ये था। जब भी आप इसको देखेंगे लाइव प्राइस चलता रहेगा, जब भी आप सोच रहे हैं कि अभी एंट्री करनी चाहिए तो कहां पे एंट्री करनी चाहिए और कहां से लेके कहां तक करनी चाहिए, बाय अबोव बाय PE बाय CE दोनों तरफ आप कॉलम देख रहे हो, निफ्टी का बैंक निफ्टी का दोनों उसमें पॉसिबल है। तो बैंक निफ्टी की एवरेज मतलब 313 से लेकर 337 तक आप बाय कर सकते हो, बाय CE अबोव 22 25 25 से लेकर 242 तक आप बाय कर सकते हो। अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर टारगेट और प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं रहता। सो बेसिकली एक कंप्लीट स्कैनर है जिसमें ओपन इंटरेस्ट PCR वॉल्यूम PCR प्लस वॉल्यूम चेंज। तो वॉल्यूम, जब वॉल्यूम की बात करते हैं कि कितना वॉल्यूम है, आप देखिए हर एक के साथ वॉल्यूम लिखा हुआ है, 4 करोड़ 12 लाख यहाँ पे है, 41,24,000 सेकंड कॉलम में, और यहाँ पे है 38,59,000। ऊपर अगर आप देखें 33,22,000 37,84,000 नीचे आएंगे 30 यहाँ पे है 32,56,000 और ये कंटिन्यूसली लाइव डाटा अपडेट होता है। अभी की बात करें, सुबह से हम देते रहे चलते रहे, मॉर्निंग में ये ट्रेड यहाँ पे पास ऑन किया था कि मार्केट अभी बाय SLT1 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। SLT1 के ये कॉलम भी फर्स्ट ट्रेड ऑब्वियसली 250 के ऊपर क्लोज और इमीडिएटली मार्केट का स्पाइक, दोनों तरफ स्पाइक आया यहाँ पे भी। उसके बाद आप देखिए जब ये हाई कवर कर रहा था तो दोनों का प्राइस, ये प्राइस मैंने पहले स्क्रीनशॉट में भेजा, 250 के ऊपर क्लोज हुआ यानी 260-270 के आसपास क्लोज हुआ था। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी में ये कॉल बना। उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ट्रेस हुआ, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे फिर से पुल बैक आया, अगेन पुल बैक। सी मार्केट हाई 155, मार्केट हाई 230-330-347, मार्केट केम बैक डाउन, अगेन गोज अप, सेम क्लोज 170 के आसपास, 160 के आसपास का क्लोज था और यहाँ पे क्लोज वो मैं दिखा देता हूँ। तो ये पुल बैक एंट्री, दोबारा से पुल बैक एंट्री भी मिली। पुल बैक एंट्री में क्या हुआ, मार्केट गोज टू बी 155 टू 204, यहाँ पे
ये था करीब 380 के आसपास का, 379 के नीचे आप प्राइस देख लिए, 379 के नीचे, 379 से 455, 380 से 455, राइट। सो 380 से आपको 56 पॉइंट चाहिए थे, वो आपको मिल गए, ठीक। तो 20% का वही गेम, 20% के बाद एसएल लॉट वैल्यूज। ये ट्रेड वहाँ पे नहीं, टेलीग्राम पे नहीं भेजी थी मैंने, ये ट्रेड आई थी 126, 126 इज आर लेवल हियर, बाय एंट्री टू SLT1, SLT1 126 SLT1, ओके, इस माय मिस्टेक, सॉरी, ये निफ्टी का था 126 समथिंग और यहाँ पे था 149 94, एग्जैक्टली क्लोज इज 149, अप्रोक्स ले लेते हैं 149, बार बार मार्केट नीचे आके ऊपर जा रहा था, उसके बाद 94 यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे 102 89 94 समवेयर अराउंड हियर, और यहाँ पे मार्केट नीचे गया। चलिए इसकी बात नहीं करते हैं, यहाँ पे 94 149 कुछ भी नहीं आया, 94 के ऊपर मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका था, उसके ऊपर क्लोज जाने का एक यहाँ पे एक एसएल की पोटेंशियल है, लेकिन जब नीचे आ देती है ना 150 से 120 30 पॉइंट ऑलरेडी डाउन है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 94 का ट्रेड है, अगर आपको बना है तो 94 का ट्रेड आप देख पाएंगे, 94 बेसिकली मेजर लेवल था, बाय एंट्री वन क्लोज 94.10 क्लोज, 94.10 से हाई इज 150, 94 से 150 अगेन टेक्स अ सपोर्ट 94 लेवल ले लेते हैं, 94.45 डन। तो ये ऑलमोस्ट क्लोज हुआ, 10-30 पैसा डिफरेंस है, अगर इसकी बात ना करें तो ये एंट्री आपको परफेक्टली आपको एंट्री देखने को मिल जाएगी, पहला है मार्केट केम बैक डाउन नॉट ब्रेक्स अ लो मार्केट क्लोज है पकड़। सो एग्जैक्टली अगर आपकी एंट्री देखें तो 94 और यहाँ पे 97 पे आपको एंट्री मिली, यहाँ पे 98 पे मिली, 97 पे मिली, 101 पे अगेन अगर आप देखें 97 क्लोज, 95 ये 97 ये क्लोज, तो एक परफेक्ट एंट्री 97 पे आने के बाद, उसके बाद हाई इज 162 ऑलमोस्ट 70-80% के आसपास, राइट। सो ये था बैंक निफ्टी, देन आफ्टर गोज टू निफ्टी, निफ्टी की ट्रेड सारे टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, ये ट्रेड यहाँ पे थी, क्लोज था 156 का, लेवल था 150 का, 6 पॉइंट ऊपर था, 6 पॉइंट ऊपर के बाद आपको 20% चाहिए था, 184 हो गया आपका 20% यहाँ पे हो गया, देन आफ्टर मार्केट कंटिन्यूसली टेक्स अ सपोर्ट हियर एंड देयर एंड टेक्स अ हियर टेक्स अवे कंटिन्यूसली, पहला लो ये लो ब्रेक नहीं हुआ, जब तक हम बाय कर सकते हैं ये लो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट एक बार ट्राई किया टच किया बट क्लोज नीचे नहीं हुआ, चलो छोटा मोटा 3 मिनट का ही टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो 3 मिनट का क्लोज 2 मिनट का क्लोज जरूर देखिए लो कटने के पहले, तो लो प्रीवियस लो नहीं कटे, मार्केट हाई लो हाई लो हायर लो हायर लो बना के कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बनी रही, तो एक प्राइड एक प्रीसीज एंट्रीज आपको पुल बैक एंट्रीज 10% 20% 30% आराम से हर जगह पे आपको देखने को मिला। इसका लेवल था 126 और 126 102 एंड 75 ये 94 का आज मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया ऊपर नीचे इसका एंड इसका बैंक निफ्टी का निफ्टी में निफ्टी का बैंक निफ्टी में तो लेवल थोड़ा सा हो रहा है ठीक है मैंने किसी को मैसेज नहीं किया लेकिन फिर भी मेरे चार्ट पे थोड़ा सा दिक्कत था ये एंट्री आपको परफेक्टली मिल सकती है 75 का क्लोज 75 का एक लेवल 7505 का लेवल 75 से पहला हाई 90 100 100 के बाद सेकेंड अटेम्प्ट में 116 तो आइडिया वही 20% के बाद जैसे ही मार्केट ट्रेलिंग आप स्टार्ट कीजिए 20% जाने के बाद ट्रेलिंग आपका कंटिन्यू चलता रहेगा।
तो कुछ ट्रेड इसमें भी मिली और इसमें तो बैक टू बैक आपको पुल बैक एंट्रीज मिलती रही, काम होता रहा। यहां पे देखिए, यहां पे फर्स्ट टाइम उसने लो ब्रेक किया, दोनों के नीचे क्लोज भी दिया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का हम वेट कर सकते थे। अदरवाइज इसको ऊपर जाने पे आप एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पिछले सारे लो ब्रेक, पूरा एक अच्छा खासा सपोर्ट, पूरा दिन का सपोर्ट उसने ब्रेक किया। अब मार्केट लेवल्स में हुआ क्या, स्ट्रॉन्ग बैरिश ये आ गया था करीब करीब 1:30 बजे के बाद, बैरिश आने लगा था, तो इंट्राडे ट्रेंड बैरिश हुआ और मार्केट का जो हाई था वो मार्केट जो है करीब करीब 50,000 जो सुबह दिखा रहे थे, सुबह के उसमें आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रही थी 50,000 की, 50,000 की सुबह के प्लान आउट में, तो उसमें आपको 50,000 के आसपास मार्केट दो बार तीन बार ट्राई किया, उसके बाद वापस मार्केट क्रैश हो गया। पहले 900 तक गया, 920 गया, 930 गया, फिर 960 गया, तो मार्केट एग्जैक्टली वहां पे 50,000 के आसपास का रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस हो गया। तो ये बेरिश ट्रेंड हुआ। ओवरऑल बुलिश का पैटर्न थोड़ा सा दूसरा है। ओवरऑल बुलिश का मतलब इसमें यह है कि एक्सपायरी के दिन में पॉसिबिलिटी है कि क्या रहेगा, और सेकंड ओआई ओपन इंटरेस्टेंस, आप देखिए टॉप ओआई मतलब जिसमें टॉप ओपन इंटरेस्ट, हाई ओपन इंटरेस्ट जिस स्ट्राइक प्राइसेस में है मार्केट, वो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस। सेकंड मतलब सेकंड लास्ट, पहले जिसमें सबसे ज्यादा है उसके बाद सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जिसमें, जिन स्ट्राइक प्राइस में काम हो रहा है मार्केट का, ये वो सिनेरियो है। उनको वो लोग क्या देख रहे हैं, ये लोग बैरिश देख रहे हैं, ये लोग बुलिश देख रहे हैं, ये लोग यहां पे क्या कह रहे हैं, चेंज इन ओपन आई सम, दोनों का ओपन इंटरेस्ट का सम है, चेंज इन ओपन आई सम ऑब्वियसली 36 लाख, 88,000 और 61 लाख, तो ऑब्वियसली बुलिश ट्रेंड उसको दिखा रहे हैं मार्केट। ओवरऑल ट्रेंड इन शॉर्ट टर्म मतलब पोजिशनल कॉल, कल एक्सपायरी, कल तक के जो लोग बैठे हैं वो बैरिश में बैठे। तो समझने के लिए और चीजों के लिए आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, ये स्कैनर पॉसिबल है सेलर के लिए भी और बायर के लिए भी, काफी इफेक्टिव चीज है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली वहां पे सब कुछ देखना, एक साथ पीसीआर देखना, वॉल्यूम देखना, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो डायरेक्टली एक ही सीट पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, और दूसरा उसका ट्रेंड एनालिसिस भी आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही, एक छोटा सा कल पार्ट बच गया था, आज हम दिखा देते हैं, ये 2-3 दिन के लाइव एल्गो टेस्ट है। आज का 11 तारीख को क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट हियर, फर्स्ट ट्रेड टोटल प्रॉफिट 9,000 समथिंग का हुआ, पिछला लॉस कवर हुआ 3,500, नेट प्रॉफिट यहां पे फिर से लॉस हुआ 37, छोटा छोटा स्टॉप लॉस होता रहा उसमें, और ये एंट्री किसकी थी देख लेंगे एक बार, धन का लाइव था एक्चुअली, बैंक एक्स चल रहा था या सेंसेक्स चल रहा था, तो धन की टेस्टिंग चल रही है, तो धन में कंटिन्यू ट्रेड हो पा रहा है, तो ये था हीरो जीरो मिड पॉइंट बैंक एक्स, राइट, ये बैंक एक्स का था। ऑब्वियसली आज मंगलवार है, बैंक एक्स का ट्रेड नहीं बनता, बैंक एक्स में वॉल्यूम भी कम रहती है और चीजें भी वहां पे मेंटेन नहीं होती, तो वहां पे थोड़ा सा प्राइस कभी ऊपर कभी नीचे, कभी टिक कहीं मिलेगा कभी कुछ नहीं, सिर्फ एक टेस्टिंग पर्पज के लिए चलाया गया था। ये सेंसेक्स, ये हमारे उसमें चला हुआ था, सेंसेक्स का भी आज कोई रोल नहीं था, लेकिन ओवरऑल फिर भी आप, मैं आपको दिखा देता हूँ, नेट प्रॉफिट 42,000 पहले ट्रेड का, उसके बाद टारगेट एसएल, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ -9,000, मतलब 42,000-9,000 आप एक रेशियो देख सकते हैं, जब भी ट्रेड आएगा तो उस कंडीशन में, सिर्फ मैं रेशियो दिखाना चाहता हूँ कि रेशियो कैसे मेंटेन हो सकती है, वहां से फिर 92,000 का प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट 23,000 बचा, टोटल प्रॉफिट 16,000, फिर से स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस हो रहे हैं तो 5,000-7,000-8,000 का हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा था 40,000-42,000 का, कहीं पे विनिंग पोटेंशियल आपको देखने को अच्छी खासी मिल जाएगी। एक फिर लॉस हुआ 8,000, ध्यान रखिए सेंसेक्स बैंक एक्स का मैं आज का ही ट्रेड दिखा रहा हूं, ये 7 तारीख का है, सेंसेक्स फ्राइडे की एक्सपायरी का था, तो वहां पे कुछ देर बाद चलाया, और चलाने के बाद उसमें टोटल देख लेते हैं ओवरऑल क्लोजिंग पे टाइम पे, ये करीब 8,000 के प्रॉफिट में रहा। सेंसेक्स 7 का ही सेम है, ये मल्टीपल टाइम ओपन है, 8,000 समथिंग का वैल्यू, ये 11 तारीख का आज का। तो आज सेंसेक्स में क्या हुआ, नेट प्रॉफिट समथिंग हियर, और 11 तारीख की, 7 तारीख और 11 तारीख का दोनों का रिकॉर्ड ऑलमोस्ट सेम। फायर्स में बैंक निफ्टी का ट्रेड है 30,000 फर्स्ट ट्रेड,
18,000 का लॉस, 12,000 नेट प्रॉफिट, 15 का लॉस, 3600 नेगेटिव, प्रॉफिट 31,000, टोटल 28,000। उसके बाद फिर कोई ट्रेड शायद नहीं हुआ, ये हुआ टोटल प्रॉफिट 44, फिर से एक नेगेटिव ट्रेड। ये 7 तरीका है। फ्राइडे बैंक निफ्टी नहीं करते, सेंसेक्स और बैंकेक्स करते हैं, बट फ्राइडे का ट्रेड है। हाउ टू परफॉर्म द एल्गो, एल्गो कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो एल्गो इज कम्प्लीटली रेडी। धन, फिनवेसिया और फायर्स। धन में पेड है, 500 मंथली का चार्ज है, फिनवेसिया फ्री है और फायर्स भी फ्री है। तीनों में ट्रेड परफेक्टली हो रहा है। अगर जरोदा में कोई करना चाहता है तो ₹2,000 का आपको मंथली एपीआई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तो ही पॉसिबल है। फ्री का बंद हो गया है, पहले उसमें फ्री में काम हो रहा था, अब नहीं हो रहा है तो वो बंद हो चुका है। आप एपीआई लेके आप उस पर काम कर सकते हैं धन जरोदा में भी। एंजल एंजल वन और अलायंस ब्लू, कोटेक नियो, ये सब सिंगल एपीआई है। यहां पे हम 2-3 सिंबल चलाते हैं वो बंद हो जाते हैं, बाकी किसी में अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिली है। तो एल्गो के लिए आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम, और साथ में कंसेप्ट के लिए आप लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए आ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, गुड नाइट फॉर नाउ।